नमस्कार, मैं गया बोधगया से राजेश कुमार। सरकार जितना दावे कर ले कि स्वास्थ्य विभाग के तरफ से जो भी व्यवस्थाएं करवाए जा रहे हैं वो बेहतर है, क्योंकि इस कोरोना काल में अस्पतालों का जो हाल देखी जा रही है, सरकार की तरफ से जो आदेश जारी किए जा रहे हैं कि डॉक्टर और नर्स की पूरी जिम्मेदारी के साथ वो काम करने में जुटे हैं, लेकिन बोधगया का बकरौर गांव और उस बकरौर गांव को गया के सांसद, पूर्व सांसद हरि मांझी के द्वारा गोद लिया गया था और उसी गांव में अस्पताल का भी निर्माण करवाया गया। लेकिन 2015 के बाद से अब तक उस अस्पताल में डॉक्टरों की पोस्टिंग नहीं हुई। अस्पताल बन गए, यह संदेश देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के और बिहार सरकार को भी अवगत करवा दिया गया, लेकिन डॉक्टर आज तक उस अस्पताल में नहीं पहुंचे और नहीं वहां किसी का इलाज शुरू हुआ, जिसके कारण कोरोना काल में लोगों की उम्मीद थी कि शायद बेहतर व्यवस्था जब मिलेगा तो यहां डॉक्टर भी मिल जाएंगे, लेकिन वो सारा सिस्टम बदहाली के कगार पर है। नए सामान तो आए जरूर थे, लेकिन अब वो पुराने हो गए या पुराने होकर बर्बाद हो रहे हैं। उसे देखने के लिए स्वास्थ्य विभाग के कोई अधिकारी या उनके पास कोई टीम नहीं है जो उस अस्पताल को बेहतर बनाने के लिए आम जनता की मदद कर सके, क्योंकि गांव के तमाम लोग, आम जनता ये सोच रही है, समझ रही है कि शायद इस कोरोना काल में भी बेहतर इलाज के लिए गाँव में व्यवस्था हो जाए तो कहीं बेहतर है। जबकि सुजाता इसी गाँव में भगवान बुद्ध को खीर खिलाई थी, और जब भगवान बुद्ध को खीर खिलाए थी उसके बाद से इस गांव में चहल पहल और इतिहास में भी जाना जाता है। वर्तमान दौर के सरकार भी सुजाता गढ़ को बेहतर बनाने के लिए बहुत सर्किट से जोड़ दिए गए। इस गांव को SBI के द्वारा गोद लिया गया, SBI बैंक है उसके द्वारा गोद लिया गया, सांसद हरि मांझी ने गोद लिया, लेकिन फिर भी गाँव की बदहाली जो तस्वीर देखी जा रही है वो तस्वीर नहीं बदली है, और अस्पताल की जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ये अपने आप में सवाल उठा रही है कि बिहार सरकार को वो तमाम सरकारी व्यवस्थाएं सिस्टम कहां चली गई जिस पर नीतीश सरकार के दावे हैं। भाजपा के सांसद जो दावे करते थे कि नरेंद्र मोदी के सरकार में बेहतर काम हुआ है, लेकिन एम्बुलेंस की बात करें या अस्पताल की बात करें, बदहाली की हाल में आज भी देखी जा रही है। मैं गया बोधगया से राजेश कुमार।